जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, खैरियत से है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। आप लोगों को आज जहाँ दिखाते हैं एयरपोर्ट का थोड़ा सा आपको झलकियाँ दिखाते हैं। आज हम किसी को रिसीव करने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो माशाल्लाह यार, बड़ा खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है भाई एयरपोर्ट का। तो ये पूरा एरिया एयरपोर्ट का है? हाँ जी। ये पूरा जगह जनाब वाले, ये अभी हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं जी। ये अंदर मेन एंट्रेंस है एयरपोर्ट का, तो एरिवल की तरफ हम रवा दवा है। अभी पार्किंग में जाएंगे या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इंशाल्लाह अभी पार्किंग में जाएंगे, यहाँ से पर्ची मिलता है। अच्छा, ये इधर से ना, ये अभी आप देखें ये पर्ची है, इधर से हम पर्ची निकालेंगे। कितने मिनट का होते हैं, कितने मिनट हम यहाँ स्टे कर सकते? दस मिनट तक हम स्टे कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट के बाद फिर हमें चार्ज लगेगा। अच्छा, ठीक। ये जी नाजरीन, हम एयरपोर्ट के अंदर हम इन हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ अंदर के सारे जो लोग आ रहे जा रहे। हम अभी इधर पार्किंग करेंगे यहाँ पे, ये हाँ। अच्छा, इधर जी अभी हम यहाँ पर पार्क करेंगे, करके हम अंदर की तरफ जाते हैं और रिसीव करते हैं इंशाल्लाह हम फिर अपने गेस्ट को जो है ना। अल्लाह जी, तो ये है जी इंटरनेशनल मस्कत। हाँ जी, एक ना दे ये नाज़रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ के दामन में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है शेल। हम यहाँ गाड़ी रोक के हमने इसमें पेट्रोल डाले है गाड़ी में। पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। हो गया जी। ओके जी, बिस्मिल्लाह, चलो चलते हैं जी। तो जी अभी हम इमारात से निकले हैं और अब कहाँ, किस तरफ जाएंगे हाजी साहब? हम अभी इंशाल्लाह जहाँ से हम आए थे ना, हाँ, पहाड़ी उस पे, मगर वो अभी जाते हुए रोड बन रहा है ना, तो हम जाते हुए उससे नहीं जा सकते। सही। दूसरी तरफ से हम इंशाल्लाह कुरम की साइड से। हम कुरम की साइड से अभी कुरम में जो है हमारा एक वो भी है ना, एक आर्टिस्ट आर्ट सेंटर भी है। अच्छा, जहाँ से पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आते हैं यहाँ, वो भी इंशाल्लाह हम आज जाते हुए आपको रास्ते में दिखाएं करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे तरक्याती काम बड़े जोर शोर से यहाँ जा रही है यार, बड़े बड़े बिल्डिंगे भी बन रहे हैं। नई आबादी है ना, नई आबादी में मैंने आपसे कहा। उधर भी एक पहाड़ी से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। पहाड़ है, नीचे दरख्त लगे हुए हैं और फिर नीचे पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। वाह 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 वाह, इसके उस पार हम लोग हमारा। अच्छा, अभी इस पहाड़ के उस पार हमने जाना है जहाँ से कुरम से जाते हुए हम जाएंगे जी अपने अजेबा। जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ठीक हो गया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये पहाड़, इस पहाड़ के पीछे हम आए हुए हैं इमारात में। अभी हम इस पहाड़ के उस तरफ जाएंगे
यहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो आशियाना है अजबा हम जाएंगे यहाँ से। तो आज छुट्टी थी हमारी, आज जुमा, तो खान साहब ने हमें यहाँ घुमाने के लाया इस अमारात में। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अमारात से, इस पहाड़ के उस पार हमने जाना है इंशाल्लाह ताला। जब हम एक पहाड़ चढ़ के नीचे उतरे तो एक और पहाड़ का सामना होता है हाजी साहब। तो पहाड़ों का सिलसिला तो खत्म ही नहीं होने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए तो मजा आते हैं। और ये हम है, ये कुदरत की ये चीजें, हम इनको देख के आपको इतनी खुशी मिलती है इन पहाड़ों को देख के कि आप क्या कहे, पूरा एक पूरा वीक का जो थकन है ना, आज रफू चक्कर हो गया। असल में हम लोग है ही पहाड़। जी मोहतरम नाजरीन, तो हम अमारात के इस जगह पे पहुंचे, ये फूड स्ट्रीट है, लेकिन हम अभी तो दिन में पहुंचे हैं, रात को यहाँ ये ओपन होती है शाम के बाद। तो अभी तो हम दिन में पहुंचे, तो हम आपको सही तरह दिखा नहीं सकते, लेकिन ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे कस्म कस्म के खाने यहाँ मिलते हैं। तो आगे जाके फिर आप लोगों को और दिखाते हैं फिर। ओके जी, बस जी हमने एयरपोर्ट आया है, जिसको हमने लेना था उनको लेके अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं एयरपोर्ट से। तो ये आप हमारे साथ रहिए, आप कुछ और भी जल के हम दिखाएंगे। हाँ जी हाजी साहब, फिर या तो हाँ। आगे सिग्नल बंद है, जरा देख। ये सिग्नल आया यहाँ पे, यहाँ पूरे पाकिस्तान के कानून से ज्यादा सख्त जो है ना यहाँ के सिग्नल है, पता है। तो अगर ये सिग्नल दानिश्ता या गैर दानिश्ता पर अगर तोड़ते हैं ना, तो फिर 50 रियाल जुर्माना प्लस 1 दिन का जेल है। तो कोई भी सवाल नहीं पैदा है तो कोई जनाब अली सिग्नल तोड़े, जेल में खाना शाना मिलता होगा ना। तो ये है कानून। अच्छा, एक दफा मैंने सिग्नल तोड़ा था, 1 दिन का मैं जेल काट चुका हूँ यहाँ ओमान में, लेकिन बहुत साफ सुथरा जेल है, 1 दिन रहा मैं। खाना शाना आपको सही मिलता है, मतलब सिर्फ जेल का नाम है बस जेल, लेकिन माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा, हमारे जेल की तरह नहीं है। जी मोहतरम नाजरीन, अब हम फाइनली हमारे यहाँ पे जो बल्ती कम्युनिटी है यहाँ पे हम पहुँचे हैं, और यहाँ पे भी हम कुछ लोगों से आपसे मुलाकात कराएंगे। यहाँ पे हमारे है, अस्सलाम वालेकुम जो ये जी हमारे हाजी साहब, हाजी हसन साहब, अच्छा जी। अच्छा जी, ये हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे चाय, नमकीन चाय हमने बनाया यहाँ पे, और ये साथ में इसको हम खुरबा कहते हैं, जो खुरबा हमने बनाया यहाँ पे जलपुर के नाम से, तो महवर है, गुफ्तगु है सारे यहाँ पे। कुछ कहेंगे आप? ओमान में नया आने वालों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज चीज जो देखे जितना जी। इकबाल साहब, आप खुश है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी दुआएं जो अल्लाह का बड़ा फजल है। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? अल्लाह के बड़ी करम नवाजी है, मुझे तो काफी अरसा हो गया तकरीबन, अल्लाह के फजल और करम से मेरे ख्याल में 6-7 साल हो रहे हैं। 6-7 साल माशाल्लाह। तो आप यहाँ जी, तो बत्ती ट्रेडिशनल आज ये जिसको हम बत्ती चाय बोलते हैं, नमकीन चाय लोग पीते हैं माशाल्लाह। तो आज हमने जंगूर बनाया। अच्छा जी, साथ में चाय बनाई, वहाँ की याद ताज़ा कर रहे हैं, याद ताज़ा करने के लिए। बस लोग शोर से भी पीते हैं, ये नहीं शोर से नहीं पीते हैं, जब इधर चीज बन जाती है ना, तो फिर बत्ती ये जान हो गया, ये भले
तो आते वना आते फयुली दिनी तो शादी चेक कर थो ने जुआ अच्छा जो हम तो लुत्फ उठा रहे हैं परिचा का। अच्छा ओमान में भी मतलब जहां बलती है ना चीजें साथ साथ लेके चलते हैं अल्लाह की फजल करम से। तो ये हम बस यहां भी अति बलती है तुम्हें। अच्छा अच्छा बिल्कुल। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? जी अल्लाह का शुक्र मैं अब तक तकरीबन 10 साल होने वाले। 10 साल माशाल्लाह। आप तो फिर काफी सीनियर यहाँ पे। अच्छा जी हाजी साहब आपको कितना अर्सा हो रहा है ओमान में? 10 साल हो गया ना। तो आप क्या करते यहाँ पे? हाँ ये था जी, ये हमारे लड़कों से मैंने आपको आप सबको मिलवाया। तो अभी हम बस जा रहे हैं वापस। तो ये हमारा मुसाफिर खाना है यहाँ का। तो काइंडली मेरा चैनल आप को लाइक करें और कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।